नमस्कार, मैं हूं नरेश खत्री एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। कुंभ राशि अगस्त 2021, आज का ये प्रेडिक्शन है राशि चक्र की 11वीं राशि जिसका ये प्रतीक है ये कुंभ। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आने वाला महीना अगस्त महीना कैसा रहेगा, आइए जानते हैं आपके प्रेडिक्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह शनि ग्रह की ट्रांजिट से। राशि के अधिपति शनि जो है वो आपकी राशि से 12वें स्थान के अंदर चल रहे हैं। 12वें स्थान के अंदर शनि का फल शुभ नहीं है जिसके कारण आपके पारिवारिक समस्या क्रिएट हो सकती है, फाइनेंशियल मैटर में डिस्टर्बेंस आ सकता है आपको। इसके साथ साथ आँख कान नाक दांत इत्यादि अंगों का भी आपको विशेष केयर करना होगा क्योंकि जो शनि की दृष्टि है वो आपके धन स्थान के अंदर है, आपके कुटुंब स्थान के अंदर है, तो आँखों का भी आपको विशेष केयर करना होगा। शनि के बाद बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह की ट्रांजिट के लिए। तो सूर्य ग्रह का जो भ्रमण है वो राशि से 6वें स्थान के अंदर है और जो 16 अगस्त तक है ये राशि से 6वें स्थान के अंदर है। इसके बाद सूर्य चलेंगे आपके 7th हाउस के अंदर। तो दाम्पत्य जीवन के स्थान के अंदर भी जो सूर्य का फल है ये शुभ फल नहीं माना जाएगा क्योंकि 7th हाउस जो है वो दाम्पत्य जीवन का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है। यहाँ पर सूर्य बहुत क्रूर ग्रह है, उग्र ग्रह है, इसके कारण आपके पार्टनर के साथ रिलेशन में तनाव ना आ जाए, उसका आपको विशेष केयर करना होगा। तो नक्षत्र ट्रांजिट देखें तो 2 अगस्त यानी कि 3 अगस्त से लेकर जो 16 अगस्त तक सूर्य चलेंगे आश्लेषा नक्षत्र में, ये आश्लेषा नक्षत्र का जो ट्रांजिट है ये खास करके कुंभ राशि में जो कोई भी जातक का जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है ये जातकों के लिए कुछ ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल महसूस करवाने वाला होगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए जो सूर्य है आपके विपत नक्षत्र में चलेंगे। ऐसे तो आश्लेषा का जो ट्रांजिट है ये घनिष्ठा के लिए भी ठीक नहीं है क्योंकि आपके लिए ये प्रत्यारी नक्षत्र होगा और सत विषा के लिए एक सैम तारा के अंदर होंगे। तो सत विषा में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए ये ट्रांजिट थोड़ा सा ठीक फल देने वाला होगा, लेकिन जो पूर्व भाद्रपद हैं इनके लिए ये विपत नक्षत्र में होंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अशुभ फल होगा सूर्य का। और कहाँ से आपको टेंशन मिलेगा? जो साथ में काम करने वाले आपके साथ जो काम कर रहे हैं ऐसे जातकों के कारण, कम्युनिकेशन के कारण इनके साथ या तो आपके बारे में कोई उल्टी सुलटी बात करेंगे या ऐसे कुछ रूमर्स क्रिएट करेंगे कि जॉब में साथ में काम करने वाले सहकर्मचारीगण के कारण आपको टेंशन क्रिएट होगा या तो आपको टेंशन आ सकती है आपके मामा एवं मौसी के साथ। गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर के अंदर भी टेंशन या तनाव कुछ आ सकता है। यदि आपका जन्म का सूर्य पूर्व भाद्रपद है या जन्म का चंद्र पूर्व भाद्रपद है तो ये जातकों को 3 से लेकर 16 अगस्त तक का जो समय है कुंभ राशि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को केयरफुल रहना होगा। गुरु ग्रह का जो ट्रांजिट है वो आपकी राशि के अंदर है तो जिसके कारण आपके नॉलेज में वृद्धि होगी, आपकी धार्मिकता में वृद्धि होगी, लव मैटर में सक्सेस देने वाले हैं। विवाहित जो जातक हैं दाम्पत्य जीवन में सुख में वृद्धि करने वाले होंगे। विवाहित जो जातक हैं जो संतान इच्छुक हैं उनको संतान कंसीविंग भी हो सकता है और आपके यदि आपके संतान हैं तो आपके संतानों का भी प्रोग्रेस होगा, आपका खुद का भी प्रोग्रेस होगा, पढ़ाई करने वाले जातकों का पढ़ाई में प्रोग्रेस होगा और भाग्य में वृद्धि करने वाली होगी ट्रांजिट गुरु की। तो मंगल ग्रह जो है वो 7th हाउस के अंदर चल रहे हैं। यहाँ पर 16 अगस्त को सूर्य साथ में आ जाएंगे मंगल के साथ। तो सूर्य मंगल का जो योग बनेगा 7th हाउस के अंदर दाम्पत्य जीवन के स्थान के अंदर
पार्टनरशिप के स्थान के अंदर, तो जो कोई भी जातक का बिजनेस में पार्टनरशिप है या विवाहित है, ऐसे जातकों को रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ कुछ ज़्यादा ही केयर करना होगा। 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक का जो समय है, और 16 सितंबर के बाद सूर्य चलेंगे राशि से 8वें स्थान के अंदर, तो ये दो ट्रांजिट जो है आपको बहुत शांति से पास करना है अपने पार्टनरशिप के रिगार्डिंग और पारिवारिक मामलों को लेकर। तो राहु आपके 4थे स्थान के अंदर चल रहे हैं, केतु आपके 10वें स्थान में चल रहे हैं। तो केतु 10वें स्थान में जो है, ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए शुभ फल देने वाला है। यानी कि जो केतु है, ये आपकी जो सूर्य की ट्रांजिट है, इसको बैलेंस करने वाले हैं। तो राहु 4थे स्थान के अंदर होने के कारण प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य करना है तो उसको जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। मकान वाहन के अंदर खर्च आपको आ सकता है। तो केतु 10वें स्थान में जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, इनके लिए शुभ फल देने वाला है, बिजनेस में कैरियर में प्रोग्रेस करवाने वाले हैं। और केतु जो देते हैं वो कोई ग्रह नहीं दे सकता है। तो राहु और केतु का जो ट्रांजिट है, जब संपत्ति देने वाले नक्षत्र में चलते हैं तो एक्सट्रीमली शुभ फल देते हैं। तो सबसे ज़्यादा शुभ फल देंगे केतु का ये नक्षत्र, जिनका भी जन्म पूर्व भाद्रपद में हुआ है, जन्म का सूर्य पूर्व भाद्रपद है या जन्म का चंद्र पूर्व भाद्रपद है, ये दोनों जातकों को केतु आपको एकदम हाइट के ऊपर उठाने वाला है कैरियर के अंदर, बिजनेस के अंदर। तो आने वाला समय आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। तो बुध ग्रह के बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन के कारक ग्रह बुध 8 तारीख तक आपके 6वें स्थान के अंदर है, जिसके कारण थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा कम्युनिकेशन में, क्योंकि डाउनवर्ड्स चल रहे हैं बुध, नीचे के स्थान में चल रहे हैं कुंडली के अंदर। 8 से लेकर 25 तक बुध चलेंगे सिंह राशि के अंदर, 7th हाउस के अंदर भी बुध का जो फल है वो मध्यम फलदायी है। और 25 तारीख के बाद बुध चलेंगे 8वें स्थान के अंदर। ये बुध की उच्च राशि है कन्या राशि, लेकिन यहाँ पर भी बुध का फल शुभ नहीं होगा, क्योंकि 8वां स्थान जो है वो काढ़ा का स्थान माना गया है, मृत्यु स्थान माना गया है, अशुभ स्थान माना गया है। भले ही अपनी उच्च राशि के अंदर बुध है, लेकिन यू शुड बी टेक केयर इन कम्युनिकेशन। तमाम कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 25 तारीख के बाद जब बुध चलेंगे कन्या राशि के अंदर, तो शुड बी टेक केयर इन कम्युनिकेशन, खास करके फैमिली के अंदर और अपने इन लॉज के साथ, अपने परिवार में, और जो विवाहित हैं तो आपको अपने इन लॉज के साथ कम्युनिकेशन में विशेष केयरफुल रहना होगा। तो डेट आपको जो टेक केयर करना होगा वो इस प्रकार है, 2, 3, 4। सबसे पहले तो यहाँ पर चंद्र चलेंगे वृषभ राशि में राहु के साथ, 4थे स्थान के अंदर, सुख स्थान के अंदर ये राहु के साथ चंद्र होंगे, तो मकान में खर्च आ सकता है, वाहन में खर्च आ सकता है, माता के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, पिता के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, जॉब करने वाले जातकों को अपने अपर लेवल के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, या कंट्रोवर्सी हो सकती है, कुछ भी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। तो ये जगह पे आपको केयर करना होगा, जो डेट रहेगा 2, 3, 4। इसके बाद आपको डेट टेक केयर करना है 11, 12, 13, जिसमें चंद्र चलेंगे कन्या राशि में, राशि से 8वें स्थान के अंदर चलने वाले चंद्र भी आपके लिए शुभ नहीं है। पारिवारिक मामलों में केयर करना होगा, फाइनेंशियल मैटर में केयर करना होगा, आँखों का विशेष केयर करना होगा। और नदी समंदर तालाब किनारे आप घूमने जाते हो तो पानी में अंदर ज़्यादा ना उतरे। और अभी मानसून चल रहा है, बारिश की सीजन चल रही है, तो इन तारीखों के अंदर कहीं आप बाहर जाते हो तो अनजाने पानी के अंदर जल्दी ना उतरे, केयरफुली आगे बढ़े, अन्यथा आप पानी में डूब सकते हो। जो डेट रहेगा 11, 12, 13। वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना होगा 19, 20 और 21, जिसमें चंद्र चलेंगे शनि के साथ चलेंगे, राशि से 12वें स्थान के अंदर चलेंगे, मकर राशि के अंदर चलेंगे। तो ये तारीखों के अंदर भी लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। 19, 20, 21
जिसमें चंद्र चलेंगे मकर राशि के अंदर। तो यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों कुंभ राशि में है तो ये प्रेडिक्शन का आपको बहुत ज्यादा असर होगा। जन्म का जो सूर्य कुंभ राशि में कब होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 15 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में जो कोई भी जातक का जन्म होता है इनके सूर्य कुंभ राशि में होते हैं। तो आपकी जानकारी में आपके कोई मित्र हैं जिनका जन्म हुआ है 15 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में, ये जातकों को भी अपने ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये प्रेडिक्शन और नॉलेज का लाभ मिले। लाइक का एक बटन जरूर बनता है वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि चैनल से जो भी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होते हैं प्रेडिक्शन के साथ साथ इसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। नमस्कार।